और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले में राजस्व विभाग की कामकाज में कसावट लाने आज राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले के विभाग के सारे अधिकारी शामिल रहे। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के राजस्व विभाग में कसावट लाने आज राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्व मंत्री ने राजस्व प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने और प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करने की हिदायत दी। साथ ही साथ पटवारी और आरआई को मुख्यालय में रहने व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अगस्त में आई भीषण बाढ़ से मकान, फसल और अन्य नुकसान की मुआवजा जल्द ही देने और राजस्व विभाग के कामकाज के लिए लोगों को अनावश्यक भटकना न पड़े, इस पर ध्यान रखने की बात कही गई। गौरतलब है कि कोरोना के कारण से 9 माह बाद यह बैठक आयोजित हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के अलावा विधायक प्रकाश नायक, उत्तरी जांगड़े, लालजीत राठिया, चक्रधर सिदार, महापौर जानकी कारजू भी शामिल रहे और कई सुझाव भी दिए, और इन सुझावों को अमल करने की हिदायत राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने देते हुए नए तहसील, उप तहसील बनाने का प्रपोजल भेजने का भी निर्देश दिया। अब आगे देखना होगा कि मुख्यालय में रहने, कामकाज में कसावट लाने का उनका निर्देश जमीनी स्तर पर कितना खरा उतर पाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।